हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। सो टोटल पांच क्राइटेरिया होता है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। तो क्या क्या होता है? साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक डी ई एफ, अगर ए बी किसके इक्वल है डी ई के, ए सी किसके इक्वल होगा अगर डी एफ के, और बी सी किसके इक्वल होगा ई एफ के, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किस क्राइटेरिया से? एस एस एस, साइड साइड साइड, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इसको बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एस 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 से कॉन्ग्रेंट है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई। और ये सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ। सी पी सी टी। थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या होगा कि एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल ई। और ये वाला साइड इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, तो दो ट्रायंगल को बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है किससे? एंगल साइड एंगल। मींस ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और वही साइड हो जिस पे दोनों एंगल लाई कर रहा है। तो ये क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। फोर्थ क्या है मेरा? एंगल एंगल साइड। इसमें क्या होगा कि ये एंगल बी इक्वल टू क्या हो? एंगल ई। और ये एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाए? एंगल डी। तो कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? एंगल एंगल साइड से, ए एस। कोई दो एंगल इक्वल हो और एक साइड कोई भी इक्वल हो तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस क्राइटेरिया। इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, मींस ए सी इक्वल टू डी एफ के। और कोई एक साइड इक्वल हो, मींस परपेंडिकुलर इसके इक्वल हो जाए या बेस इसके इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? आरएचएस क्राइटेरिया से। तो ये बेसिकली पांच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।